नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एक बार फिर से आपका ऑनलाइन सब्जेक्ट में स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 40 गज की जगह। इस जगह की बात करूँ तो द्वारका और मेट्रो से 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। और इस गली की बात करूँ तो 10 फीट की गली है। तो जो मेन रोड है उससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये जस्ट 30 फुट की रोड से ये गली लगती है, कनेक्ट होती है 10 फुट की। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये मकान। आज ये पहले मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन। यहाँ पे अपने को सेपरेट जीने के लिए भी एंट्रेंस मिलती है, गेट बंद है अंदर से। आ जाइए, एंट्रेंस करते ही ड्राइंग रूम का स्पेस मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये 10x12 का स्पेस यहाँ पर अपने को इजीली मिल जाता है। सीटिंग स्पेस है यू टाइप का पूरा, इजीली आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे आप। और यहाँ कॉर्नर में इधर से आपको जीने का स्टेयर्स मिल जाती है। बाहर से यहाँ से गेट लगा हुआ जीने का, बाहर से भी एंट्रेंस है और अंदर से भी आपको जीने की एंट्रेंस मिल जाती है। और ये पूरी विंडो दी हुई है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए पूरी की पूरी विंडो है। वेंटिलेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है मकान में। और यहाँ मोटर का सबमर्सिबल का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से आप सबमर्सिबल वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका वॉशवेशन के रखना है यहाँ पे भारी ओपन हैंड वगैरह वॉश करने के लिए। और ड्राइंग रूम के साथ ही एंट्रेंस के साथ ही आपको यहाँ पे किचन मिलती है। एल टाइप की काफ़ी स्पेशियस किचन है, आराम से आप अपने कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। आज ये मैं दिखाता हूँ आपको इसका फर्स्ट बेडरूम। आज काफ़ी स्पेशियस रूम है। इस रूम की बात करूँ तो 10x12 का ये रूम भी आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा रूम है। इजीली आप बेड वगैरह लगा सकते हैं, अलमीरा वगैरह साइड में आ जाती है, इतना स्पेस है रूम में, काफ़ी बड़ा रूम है। और यहाँ पर ऊपर टांग दी हुई है, जैसे कि आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह है वो आप इजीली रख सकते हैं इसमें। ऊपर छत्ती बना के दी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका टॉयलेट बाथ। हाँ जी, काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट बाथ है। टॉयलेट बाथ की बात करूँ तो ये भी 4x7 का टॉयलेट बाथ है, 4x7x8 का, 7-7 फुट टाइल लगी हुई है इसमें। और क्या शूटिंग वगैरह, और इंडियन टॉयलेट दी हुई है इसमें, इंडियन टॉयलेट सीट। तो इजीली कोई दिक्कत नहीं है नहाने धोने में, आपको कोई सीलन वगैरह नहीं मिलती क्योंकि टाइल वगैरह पूरी वॉल पर लगी हुई है। काफ़ी अच्छा साफ सुथरा काम करा रखा है इसमें भी, थोड़ा रिपेयर इसमें करा के देनी पड़ेगी, वो हम आपको करा के दे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी छत। आ जाइए, छत है रूफ है इसकी, काफ़ी स्पेसियस छत है। यहाँ बीच में जाल भी रखा है वेंटिलेशन के लिए एक एक्स्ट्रा, जिससे रोशनी वगैरह धूप वगैरह सीधा अंदर भी जाए आपके ड्राइंग रूम, और जो ड्राइंग रूम और रूम के बीच का स्पेस है लॉबी जो होती है आपकी, उस लॉबी में यहाँ से वेंटिलेशन जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर तीन उनकी दी हुई है, एक्स्ट्रा टीवी वगैरह लगा सकते हैं। ओपन छत है, काफ़ी स्पेसियस। और आ जाइए, दिखा दीजिए ना यहीं से 30 फुट वाली जो रोड है कितनी पास में ही है, जस्ट 20 मीटर के डिस्टेंस पे ही है, सामने रोड नज़र आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी जड़ की ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा मकान ये पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कराएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।